नमस्कार लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फिलहाल मौजूद हूँ उपायुक्त कार्यालय के बाहर और यहाँ पर आज एबीवीपी के द्वारा कुछ छात्रों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं इनसे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रदर्शन की वजह क्या है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी रिपोर्ट के लिए आए हैं। बीएड के स्टूडेंट हैं हम लोग सब। सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 का अभी तक हम लोग छात्रवृत्ति नहीं आया स्टूडेंटों का। तो स्टूडेंटों ने हमसे संपर्क किया, हमने कार्यालय विभाग बहुत बार गए, कार्यालय विभाग से हर बार एक अल्टीमेटम दिया जाता है, 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। और पैसे मोस्ट प्रोबेबली ओबीसी एसटी का 80% स्टूडेंट का लगभग आ चुका है और एससी स्टूडेंट्स का अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आया है। जब हम पिछले बार गए थे तो हमें कहा गया कि एसएनए फंड में तो पैसा आया था, लेकिन वो पैसा वापस ले लिया गया है, जिस वजह से हमारे जितने भी बचे हुए छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और बहुत सारे छात्र यहाँ पे झारखंड में जो हैं वो अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं, जैसे कोई आया हुआ है रांची, रामगढ़, गोड्डा, यहाँ से आए हुए हैं, तो उनको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का भी फीस भरना है जो कि वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और कॉलेज भी प्रेशर कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपना भुगतान करे, सेमेस्टर फीस पेमेंट करे। तो ये सारे पूर्वी सिंहभूम जिले के स्टूडेंट, पूर्वी सिंहभूम के हैं, अलग अलग कॉलेज के, जामनीकांत के हैं, कोऑपरेटिव कॉलेज के हैं, अलग अलग। ये पहली मुलाकात होगी? नहीं, ये पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी लोग मिले हैं लेकिन इनका निदान नहीं हो पा रहा है। बच्चे रेंट पर रह रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रही है और वो अपना फीस भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे हताश है कि कब आएगा उनका ये छात्रवृत्ति। उपायुक्त से आज ये मांग है कि इनका जल्द से जल्द भुगतान हो, नहीं तो अन्यथा हम फिर आंदोलन के लिए बाधित होंगे। मैं कोऑपरेटिव कॉलेज से छात्र हूँ, बीएड का 2022 का सेशन का हूँ मैं। हम लोगों का स्कॉलरशिप अभी तक आया ही नहीं है हम लोगों का, जबकि आता भी है, दूसरे लोगों का आया, हम लोगों का आया नहीं है कुछ लोगों का। और बहुत से लोगों का ये भी है कि जब तक उन लोगों का प्रोसेस ही नहीं बढ़ाया गया है, किसी को डीए में रखा गया, किसी को डीडब्ल्यूओ में रखा गया है। और जब हम लोगों का ना हम थर्ड का सेमेस्टर का हम फीस दे चुके हैं, नहीं दे पाए हैं, और ना ही हम फोर्थ का भी दे पा रहे हैं। तो इस कारण से हम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण हम लोग नहीं दे पा रहे, इसीलिए हम यहाँ पर मांग करने आए हैं हम लोग। इससे पहले डीसी से आपने मांग रखी थी? जी, हम लोग मांग कर चुके हैं, हम लोग पिछले साल भी आए थे, हर एक बार आते हैं हम लोग। हमारा एक ग्रुप है छात्रवृत्ति ग्रुप, वहाँ से भी हम लोग आते हैं। तो सबको हम लोग पिछले बार हम लोग चाईबासा भी गए थे, वहाँ पे भी बात करने के लिए गए थे इस चीज़ के लिए। वहाँ से भी एक ही बात किया गया था कि आप लोगों को आगे मिल जाएगा हर एक बार, लेकिन बार बार हम लोगों का स्कॉलरशिप का खाली आश्वासन देते हैं कि मिल जाना चाहिए। और साथ साथ हम लोगों का हर एक सेमेस्टर में हम लोगों को बार बार पैसा देने का जल्दी जल्दी कष्ट करवा रहा है, बोले कि आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप लोग फीस दे दीजिए। थर्ड का और फोर्थ का दोनों का हम लोग एक साथ अभी किए। कम यहाँ पे तो लगभग पूरे हर एक कॉलेज के हैं, यहाँ पे हम लोगों का कम से कम 80% कम से कम है, बाकी जिसका नहीं आया है, बाद बाकी लोगों का आया भी है तो किसी किसी का नहीं भी आया है, मीन्स आधा पैसा आया, आधा ईयर का नहीं आया है। हम सेमेस्टर फोर से है, बीएड के स्टूडेंट। कौन से कॉलेज से? बोड़ागड़ा कॉलेज से है। अच्छा, क्या समस्या है? हमारा समस्या यह है कि हम लोग को अभी तक मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिला है। कितने? 2 ईयर का नहीं मिला, 20-21 का भी नहीं मिला और 21-22 का भी नहीं मिला है अभी तक। एससी कैटेगरी से? ओबीसी में है। ओबीसी? हाँ। और अभी 30 का नोटिस आया है? हाँ, 30 का नोटिस। फाइनल ईयर है ना, तो पहले डीसी ऑफिस में कभी आपने अपनी शिकायत रखी? हाँ, फ़ोन करके बोले थे कि नहीं मिला है, बोले कि अभी तक फंड नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है, फंड आने से दे दिया जाएगा। तो अभी 2 सत्र से नहीं मिल रहा? नहीं, 2 सेशन का नहीं मिला है अभी तक। ये सत्र 2020-22 के छात्र है पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले से, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है 2 सत्रों से, और छात्रवृत्ति की मांग करते हुए ये आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर आ चुके हैं। इनकी यही मांग है कि इन्हें छात्रवृत्ति दी जाए और इसका समर्थन कर रहे एबीवीपी छात्र संघ। और उनका कहना है कि यदि आज उपायुक्त के द्वारा इनकी बात नहीं मानी जाती है, चूँकि इससे पहले भी छात्रों के द्वारा कई बार मांगें रखी जा चुकी है और आज भी नहीं सुनी जाती है, तो आने वाले समय में प्रदर्शन किया जाएगा कार्यालय के बाहर और इसकी जिम्मेदारी जो है वो उपायुक्त के हाथ होगी। छात्र उससे काफ़ी परेशान है क्योंकि लंबे वक्त से ये इसकी मांग कर रहे हैं और हर बार इन्हें
यही आश्वासन दिया जाता है छात्रवृत्ति मिलने का। तो मिलते आश्वासन से छात्र परेशान है, इन्हें आश्वासन ही छात्रवृत्ति की ज़रूरत है। तो देखते हैं इस पर उपायुक्त क्या निर्देश देती है और क्या कुछ प्रक्रिया रहती है इसकी। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।